Welcome to ExamBay. In this video, we are going to discuss some important current affairs of January 2020. काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने फरवरी 2020 वाली वीडियो में कवर कर लिए थे. इसमें जो 7-8 करंट अफेयर्स जो बचे थे जनवरी के, वो हम कवर करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, छोटी वीडियो, तो इसे बिल्कुल देखिए. ओके, सो करंट अफेयर्स मॉड्यूल EPFO का रिलीज़ आज हो जाएगा. जिन लोगों ने भी shop.examway.in के थ्रू बुक्स ली हैं, उनके पास ये मेल कर दिया जाएगा बाय टुनाइट और टुमारो मॉर्निंग तक ये मेल हो जाएगा. अभी उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिन्होंने बुक्स परचेज करी हैं. तो अगर आप करना चाहते हो बुक परचेज, आपको ये मेल कर दिया जाएगा. उसके अलावा MCQ क्वेश्चन बैंक तो है ही, और इसमें करंट अफेयर्स के MCQs भी हैं और करंट अफेयर्स थ्रू फैक्ट्स या जो भी हमारे नोट्स हैं वो भी इसमें हैं. राइट नाउ, नेशनल वोटर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे इन इंडिया. 25 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. उसके अलावा एक नए ये अवार्ड्स स्टार्ट हुए हैं अभी कुछ ही टाइम पहले. मुप्पवरपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2020 के एमिनेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ये अवार्ड मिला है. उसके बाद 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 लखनऊ में मनाया गया. इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे देश में जो युवा लोग हैं, जो यूथ हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए. उनके जो भी टैलेंट्स हैं, आप किसी के पास भी कैसा भी टैलेंट हो सकता है, तो उस टैलेंट को शोकेस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. द थीम ऑफ द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 इज फिट यूथ फिट इंडिया. नाउ 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो कि डाबोस स्विट्जरलैंड में होती है, ये मीटिंग लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री, फिर इन्वेस्टर्स जो एंटरप्रेन्योर्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी ये मीटिंग होती है. द थीम ऑफ 2020 मीटिंग इज स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. 107th इंडियन साइंस कांग्रेस 2020, इट इज़ द लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंस एंथुजियास्ट. इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, इस बार ये बैंगलोर में हुआ है. ओके, और फोकस, और ये बेसिकली होता क्या है, तो इतना ही इनमें से क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनता है. फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया फेम्बोसा चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमीशनर श्री सुनील अरोड़ा को बनाए गए हैं, तो ये अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद सैटेलाइट GSAT-30 इंडिया लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रेंच गुनिया से ये लॉन्च हुआ था स्पेसपोर्ट से. लॉन्च व्हीकल का नाम है एरियान VA-251. GSAT-30 प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू ऑपरेशनल सर्विसेज ऑन सम ऑफ द ऑर्बिट सैटेलाइट. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को इसे पास कर दिया गया है. ओके, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड MTP अमेंडमेंट एक्ट. तो इसमें क्या है कि जो अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं. सो दिस बिल हैज़ प्रपोज्ड द ओपिनियन ऑफ वन प्रोवाइडर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रोवाइडर इसमें बोला गया है, दो प्रोवाइडर हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ, या फिर जो दो लोग इन्वॉल्व हैं. राइट, अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ टू प्रोवाइडर्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 20-24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. सो 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं. राइट, और इसमें एनहेंसिंग द अबाउट जेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20-24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन विच विल बी डिफाइंड इन अमेंडमेंट्स and would include vulnerable women including survivors of rape, victims of incest and other vulnerable women. So ये important कुछ current affairs थे. जो पूरा जो current affairs का set है वो current affairs module में available है. All the very best. Thank you.